स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो भाई अभी बजे कुछ सुबह के 5 और आज फर्स्ट टाइम मैं इतनी सुबह सुबह इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज इतनी जल्दी उठने के पीछे का रीज़न ये है कि हम जा रहे हैं मालवन। तो मालवन में होता है सुबह सुबह एक फ़िश ऑक्शन जो सुबह जल्दी शुरू हो गया जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, तो आज हम वही देखने जा रहे हैं। और ये जो फ़िश ऑक्शन है ये कुछ सुबह 6 बजे शुरू होकर 7 या 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और मालूम मेरे घर से कुछ 40 या 50 किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें जल्दी निकलना भी पड़ेगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते इस ब्लॉग को। तो अब मैं हो चुका हूँ तैयार और हमारा दोस्त अनिकेत भी आ गया हमें लेने। तो चलिए चलते अब मालवन, और आज सुबह सुबह ठंडी भी बहुत है। अभी भी बाहर बहुत अंधेरा है, अभी बज रहे कुछ 5:30 और हमें सामने का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए अब चलते हैं। मैं चला अकेले रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना बढ़ता मैं गया। तो अभी हम रुके हैं यहाँ चाय पीने, और भाई भाई बता रहा हूँ बाहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ठंड थी। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ठंड होगी। और मुझे लगा नहीं था कि इतनी ठंड होगी, इसलिए मैंने कुछ स्वेटर वीटर भी नहीं पहना। तो अभी बच रहे थे चाय पी के निकलते आगे। तो अभी चाय पी के हम निकल रहे आगे, और अभी भी थोड़ी ठंड है बाहर, और बाहर देख सकते हैं आप उजाला भी हो चुका है। तो चलिए अब निकलते आगे। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, खाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो जमाना मैं पुराना हूँ मुसाफिर, जिंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं। पाया है जिससे खुद को पानी सा मैं बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ। छूलू मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ, तुझको ये है ना पता मेरा जो सफर है वही मेरा घर है। मुझको ना दुनिया की है परवाह, तो फाइनली अब हम पहुंच चुके मालवन, और अभी मैं हूँ मालवन के बीच पे, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट को। तो हमारे चैनल पे सिंधुदुर्ग फोर्ट का भी एक ब्लॉग है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको भी जरूर चेक कीजिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहाँ शुरू है हमारा फिश ऑक्शन। तो फिश ऑक्शन में घूमने से पहले आप देख लीजिए वहाँ के कुछ नज़ारे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरह मछलियों पे बोली लगाई जाती है। तो सबसे पहले ये लोग समुद्र से पकड़ी हुई ताज़ी मछलियों को इन ट्रे या टोकरियों में भरते हैं, और फिर उनकी एक कीमत डिसाइड करते हैं, और फिर उस कीमत के ऊपर जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता है उन्हें ही ये मछलियाँ मिलती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो छोटे छोटे व्यापारी आते हैं जो यहाँ से मछलियाँ ले जाके यहाँ लोकली मार्केट में बेच देते हैं। तो देखते हैं अभी हम यहाँ और कौन सी हमें मछलियाँ देखने को मिलती है। ये
अगर आप यहाँ से मछलियाँ भी ले जाना चाहे, यहाँ से आप बर्फ खरीद के उनमें मछलियों को रख के अगर आपको कहीं दूर ले जानी है तो आप वो भी कर सकते हैं, यहाँ आपको बर्फ भी मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ और थोड़ा घूमते और देखते हैं हमें और कौन सी मछलियाँ देखने को मिलती है। तो अब हमने पूरा फिश ऑप्शन घूम लिया है और हमें यहाँ मछलियाँ थोड़ी महंगी लगी क्योंकि अभी सीजन शुरू है, बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ, मुंबई पुणे नासिक जैसे सिटी से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसलिए यहाँ हर एक चीज़ के दाम भी बढ़ जाते हैं। और अभी कितने भी कुछ मछलियाँ ली है, क्या घेतल रे। तो बस दोस्तों आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, गुड बाय।